सौतेली माँ भाई को बहन से अलग कर देती है। आज गणेश चौथ है और माँ अपने बेटे के लिए व्रत रखती है ताकि उसके बेटे की उम्र बढ़ जाए। पर मासा तो है नहीं। जब तारी नई माँ आएगी ना तो वो जरूर तारे भाई सा के लिए व्रत भी रखेगी और टीका भी करेगी। नहीं मासा ना चाहिए, मैं उपवास रख लूंगी। वहाँ कौन है? नहीं दिल्ली सा। वो ना क्या बात कर रही है तू? हम बातें कर रहे हैं, हम दोस्त हैं ना, हमारा झगड़ा हो रखा है, गले लगा के मन का मैल दूर कर रहे हैं। तू भी तो करती होगी ना दोस्तों को मनाने वास्ते। हम दोनों दोस्त हैं ना, और दोस्त तो आपस में गले मिलते ही हैं। गले मिलने से दोस्ती और गहरी हो जाती है और मन की कड़वाहट जो है वो दूर हो जाती है। वो जैसे फिल्म में दिखाते ना वो जादू की जप्पी वैसा। मैं ना समझी। अगर छोरी ने यह बात जाके सबको बोल दी तो सारे खेल पे पानी भर जाएगा। इससे पहले इस छोरी का ही खेल खत्म करना होगा। लाडो सच्ची तो कह रहे हैं, उमा भी मेरे से रूठ जाती है तो मैं उसे गले लगाकर मना लेती हूँ। वो मारा कोई छोरा दोस्त ना है ना, तो मैंने किसी छोरे को गले ना लगाया अब तक। हाँ पर छोरा छोरी भी तो दोस्त हो गए ना। लाडो तू क्यों आई थी? वो मैं गणपति जी की पूजा कर रही थी, माचिस लेने आई थी। ये ल की कर रहा था दिमाग से पैदे लेके। अभी मार के गाड़ देता उस चोरी ने और फिर सारी शादी लपेट के निकल जाते, पर तूने बीच में टांग अड़ा दी। अपन ने तो यो डर है कहीं ये चोरी सब कुछ बकना दे सबके सामने जो कुछ उसने देखा है यहाँ पे। तो चिंता ना कर, जब तक थारा ब्याह ना हो जाता ना हमारी नजर इस पे टिकी रहेगी। चल की भी उम्र बढ़ानी है और फूली की हल्दी है उसे भी आशीर्वाद दे देना, मैं बांध भी दे दूंगी। फूली फूली ये देखो मैं आपके लिए प्रसाद लाई हूँ, गणपति जी का है, उससे भगवान जी आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। मैं आपको हल्दी लगा दूँ? क्या हुआ भोली, आप रो क्यों रही हो? काश मैं थारे हाथों ने जिंदगी भर चूमती और तू मन्ने मासा कह के बुलाती। ये है शादी का जोड़ा, देख लो बहनों, फिर ना कहना कि भाभी ने कुछ कमी रखी। देखो आपकी शादी वाला जोड़ा है, बड़ा अच्छा सुंदर है। वो जो काका सा की गुड़िया वाली दुकान है ना, उसमें जो सबसे प्यारी गुड़िया है उससे भी सुंदर दिखोगी आप। अच्छा मैं चलती हूँ। नाना अभी ना खाना,
अगर खा लिया तो बड़ी वाली पिचकी हो जाएगी। वो मैंने खूब पकवान खा लिए थे ना, कचौड़ी जलेबी, तो अब पेट में लड्डू की जगह ना है। पर आप मुझे दे दो, मैं बाद में भाईसा के साथ खा लूंगी। अरे पूरा थोड़ी, बस दो चार दे दो। पर ले कैसे जाऊं? वो देख, गहरी हो जाती है और मन की कड़वाहट जो है वो दूर हो जाती है। अरे वो उनकी नाचने वाली सहेली है ना दमादसा की, तो दोनों का आपस में झगड़ा हो गया था, तो दमादसा ने पेड़ के पीछे उसे गले लगा लिया था, पक्की वाली दोस्ती कर ली। ऐसे गले लगाया था। बहुत सारे काम है अभी। नाचने वाली सहेली है ना दमादसा की, तो दोनों का आपस में झगड़ा हो गया था, तो दमादसा ने पेड़ के पीछे से गले लगा लिया था। ये क्या है बापू सा? खोल। कपड़े, तुम्हारे लिए कुर्ता धोती और रसाल के लिए घाघरा चोली, वो भी झिलमिल चुनरी के साथ, खुश हो जाएगी देख के। चल आजा, आज मैं तन्ने पगड़ी बांधना सिखाऊंगा, सीखेगा? आजा। खूब चचा रही है।